किए हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना, बोलिए होना ना चाहिए था 20 में, तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं, अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाएंगे उनका और आप जानते हैं कि वहाँ पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद हर पार्टी के नेताओं को अवसर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया सब हो गया। जब लौट करके आप में से कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी हम बता दिए, बहुत अच्छा हुआ। देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के सब 5 बरस का काम करने के लिए कमेटी बन गई है, लेकिन कल ही ये तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे तो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना केंद्र सरकार कब कर रहा है, क्या क्या होने वाला है, न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका, बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था, अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए, हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना, बोलिए होना ना चाहिए था 20 में तो नहीं किए, 21 तक कुछ नहीं किए, तब क्या हो रहा है। अब उस सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग भी कल बात बात हुई है, कल बात करेंगे सर। वन नेशन वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है, हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष के बहुत तरह की बात है, तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं, अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाएंगे उसी समय ना बात ठीक से। आपको इतना ही बता दिए, अब सोचिए ना जो चीज करना चाहिए था वो तो करवे नहीं किया, अब जो कर रहे हैं क्या रहा है, प्रपोजल आएगा प्रपोजल तो उसमें। केंद्र सरकार का इंटेंशन आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार का इंटेंशन क्या लगता है? घबराहट, केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट, मीडिया पर तो कब्जा किए हुए है भ्रष्टाचार के, अब सब जगह पर देखिए कल भी कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, आज हम कोहे आप जानते हैं आपके सारे जो मित्र हैं सब हंस रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। आपका आपको अधिकार जो है आप बोलिए, आपको जो उचित लगेगा कि क्या सही काम हो रहा है क्या गलत, लिखते ना पहले, अब आजकल आप लोगों पर तो नियंत्रण है, ठीक नहीं है जी, ये होना ना चाहिए सर। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? सीट शेयरिंग हो जाएगा, सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए ना आपस में बात और इंटरनली बहुत जल्दी सब काम शुरू, उन सब की चिंता मत करिए, उन सबको करके बताया जाएगा, और हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि इसी महीने सब चीज तय कर लीजिए, और 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपना एक कार्यक्रम करेंगे कि ताकि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब तय हो चुके, तब उस तो आगे होगा ना। बिहार में एक मामला है छुट्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है, अरे विवाद, अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या, कोई पढ़ाना ही ना बच्चे बच्चियों को चाहता है तो बुराई क्या। फिर एक बार राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने है सर, चिट्ठी को लेकर अधिकारी समझते हैं तो हमको आश्चर्य होता है, किसी भी पुलिस पुलिस कह रहे इसको जो भी लगता है, किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे आपको क्या लगता है, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है, काम तो कर दिए, हम तो सबका सुनते हैं, सबको कितना फायदा देते हैं, तो कहा चिंता कर रहा सर, बीजेपी बहुत विचलित तो चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चे बच्चियों की खूब समय पर खूब बढ़िया से होता सर। बीजेपी बहुत विचलित हो गई है क्योंकि आप जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर आगे बढ़ते रहे, पहले उन्होंने कहा कि चाय नाश्ता करने जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया सब कुछ हो गया, उसको लेकर काफी चिंता में है वो लोग।
कैसे जी।